मैं देवेंद्र त्रिगुना, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन जो कि भारत की प्राचीनतम आयुर्वेद की संस्था है, इसका की स्थापना 1907 में ऑफिशियली महाराष्ट्र में हुई थी और आयुर्वेद पर्व उसी की श्रृंखला में जो कि भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा हम इसको कर रहे हैं श्रीनगर में, सारे भारतवर्ष में करते हैं। अभी भी हम काफी उज्जैन में किया, मेरठ में किया और इसी श्रृंखला में हम आज श्रीनगर में इसको कल शुरू कर रहे हैं, जिसका उद्घाटन यहाँ के हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी करेंगे, भारत सरकार के सचिव आयुष सचिव श्री राजेश कुटेजा जी इसमें शामिल होंगे, हमारे एडवाइजर श्री मनोज मिश्री जी उसमें शामिल हो रहे हैं जो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, और मीता कुटेजा जी जो कि पहले भूतपूर्व वाइस चांसलर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद भारत सरकार, यहाँ के एडवाइजर हमारे यहाँ के डायरेक्टर अपने मोहन सिंह जी, यहाँ के हेल्थ सेक्रेटरी होंगे, मतलब सारे देश से इसमें लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे एनसीएम के जो अध्यक्ष हैं वो होंगे, राकेश शर्मा जी होंगे, ज्ञानदेव पुजारी जी होंगे, सब लोग इसमें, बहुत सारे देश से इसमें लोग आके आयुर्वेद पर्व यहाँ मनाने जा रहे हैं ताकि लोगों को बताया जाए कि किस प्रकार पूरे विश्व के अंदर आज पूरा विश्व जो है आयुष पद्धति की तरफ देखता है, आयुर्वेद की तरफ देखता है, योग की तरफ देखता है, जैसे हमारा आयुर्वेद हो, यूनानी हो, हमारी योग की पद्धतियां हैं, उन सब की तरफ पूरा विश्व आज भारत की तरफ देख रहा है। और मुझे बड़ा सौभाग्य है, कहने में बड़ा गर्व महसूस होता है कि आज भारत ना कि देश में पूरे विश्व में जो हमारी पद्धतियां हैं उसको विश्व में लेके जा रहा है। आज G20 जो अभी संपन्न हुआ दिल्ली के अंदर, उसके अंदर जो उसमें बनाए गए उसके अंदर भी उन्होंने ये लिखा गया है कि इस ट्रेडिशनल मेडिसिन को और कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन को G20 के सम्मिलित किया गया है, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। तो मैं भारत के प्रधानमंत्री मनोज अपने श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर आयुष मंत्री हैं सोनेवाल जी को, हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है डॉक्टर मजपारा जी को, हमारे अपने सेक्रेटरी सचिव श्री जो राजेश कुटेजा जी दिन रात बहुत लगे रहते हैं, उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और श्रीनगर में करने का हमारा जो ध्येय था उसमें विशेष करके ये था कि ताकि श्रीनगर से सारी दुनिया के लोग देखें किस प्रकार अब श्रीनगर में आयुर्वेद को और बढ़ावा देना चाहते हैं। आज श्रीनगर में जैसे मैंने खुद देखा है कि यहाँ बच्चे, जो यहाँ के बच्चे हैं उनको आयुर्वेद में, योग में और आयुष पत्तियों में बहुत रुचि है और वो इसको पढ़ना चाहते हैं और पढ़ भी रहे हैं। उनको या तो जम्मू जाना पड़ता है या देश के अनेक हिस्सों में जाना पड़ता है। तो मेरी सरकार से, विशेष करके यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर से और हमारे जो भारत सरकार से सचिव से मंत्री जी से, मेरी एक मांग होगी कि जम्मू श्रीनगर के अंदर भी एक अच्छा आयुर्वेद का एक कॉलेज खोला जाए ताकि यहाँ के बच्चे यहीं यूजी करें, यहीं पीजी करें, और ना कि कश्मीर में, लेकिन यहाँ से बच्चे पढ़ के देश पूरे विश्व में जाएं। आज पूरे विश्व में सैकड़ों हजारों बच्चे आयुर्वेद और योग के लिए पूरे विश्व में जा रहे हैं, ऐसा मेरा अपना मानना है। अपना ये मानना है कि देखिए, आप इस कोविड टाइम में देखें, आज कोविड टाइम में अगर आयुष नहीं होता, आयुर्वेद योग और आयुष की पत्तियां, तो शायद भारत के अंदर करोड़ों लोगों की मौत होती, लेकिन आयुष पत्तियों ने ना कि देश को, पूरे विश्व को इससे बचाया। किसी न किसी रूप में प्रधानमंत्री जी का आह्वान पे उसने चाहे काढ़ा लिया, चाहे उसने च्यवनप्राश लिया, या उसने ब्रह्मरसायन लिया, उसने हमारी गिलोई ली, हल्दी लिया, किसी न किसी, हर एक व्यक्ति ने लिया जिससे उसकी इम्यूनिटी बनी और इस महामारी से वो बच पाए, ऐसा मेरा मानना है। सरकार का दृष्टिकोण मैं कह सकता हूँ, हमारे जो भारत सरकार के एडवाइजर हैं मनोज रेसी जी, वो इसमें जरूर प्रकाश डालें। बात पे गर्व है कि आयुर्वेद है, योग है, ये जो आयुष पद्धतियां हैं ये भारत की प्राचीन पद्धतियां हैं, लेकिन इसी के साथ साथ ये पद्धतियां हैं, ये जो आधुनिक शास्त्र है उससे भी ज्यादा आधुनिक है, क्योंकि जो अलग अलग संशोधन, जो बेसिक साइंसेस है जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है या जीनोमिक्स है, तो वो जहां पे पहुंच रहा है उससे आगे आयुर्वेद के सिद्धांत है, और जैसे जैसे ये साइंस प्रगत हो रहा है उसके माध्यम से अभी ये पता चल रहा है कि आयुर्वेद के जो अलग अलग सिद्धांत है ये कितने आधुनिक है और ये कितने फॉरवर्ड लुकिंग है। जैसे एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जब 2000 में WHO ने कॉन्फ्रेंस करी थी, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, अब उन्होंने ये किया था कि सभी के लिए आरोग्य, हेल्थ फॉर ऑल, तो ये एक्चुअली उस समय नारा दिया था हेल्थ फॉर ऑल में 2000, लेकिन उस समय जो पूरा जो उद्देश्य था वो हम रोगों को कैसे ठीक करें, ये पूरा उसका उद्देश्य था।
अब जाकर WHO ने ये नारा दिया है कि हमें जो आरोग्य जो है उसको प्रमोट करना है, हेल्थ प्रमोशन एंड हेल्थ प्रिवेंशन। तो ये प्रिवेंशन एंड प्रमोशन को जो अभी WHO जो उसको जो महत्व दे रहा है, ये आयुर्वेद ने लाखों साल पहले दिया है। और आयुर्वेद का उद्देश्य ही यही था कि पहले तो जो जितने भी पूरा समाज है, जितने भी सजीव है, केवल ह्यूमन बींग नहीं है लेकिन चाहे वो प्राणी मात्र है और चाहे हमारा पूरा एनवायरमेंट है। आज हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो ये चाहे ग्लोबल वार्मिंग है, इकोलॉजी है, प्राणी मात्र है और मनुष्य प्राणी है और वनस्पतियां हैं, ये सबकी सेहत अच्छी हो, ये सिद्धांत आयुर्वेद ने बताया। और इसी सिद्धांत को आज दुनिया कहने लगी है वन हेल्थ। तो ये अलग अलग काफी सारे सिद्धांत है कि जो आयुर्वेद ने प्राचीन काल में हजारों साल पहले बताया और आज धीरे धीरे दुनिया उसको समझ रही है और वो अलग अलग संशोधन के माध्यम से वो आज सही है इस प्रकार से हमें दिख रहा है। जो हाई कॉस्ट मेडिसिन है उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि लगभग 40% जो मेडिसिन आज एलोपैथी में है, ये सारे के सारे मेडिसिन ये वनौषधियों से आई है। एक सिंपलेस्ट जो है कि जो एस्पिरिन है, तो एस्पिरिन भी जो निकला है वो वनस्पति से निकला है। तो एस्पिरिन से लेकर अलग अलग जो कीमोथेरेपी के ड्रग्स है जो कैंसर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे पैक्लिटैक्सोल है, तो ये भी दवाइयां जो है वो वनस्पतियों से निकली है। तो ये सारा खजाना जो है वो वनस्पतियों से है। और आज जब एलोपैथी की नई इन्वेंशन है, नई डिस्कवरी है, उसमें एक रोक सी लग गई है और इसीलिए पूरी दुनिया जो है वो दोबारा आयुर्वेद हो या अन्य ट्रेडिशनल मेडिसिन हो उसकी तरफ आ रही है। और उसको उन्होंने नाम दिया है फाइटो मेडिसिन। फाइटो मतलब वनस्पति और मेडिसिन मतलब चिकित्सा शास्त्र। तो केवल नाम बदल गया लेकिन दोबारा सारी दुनिया जो है वो फाइटो मेडिसिन के ऊपर आ रही है और यही दिखाता है कि इसमें कितना वैविध्य है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि दवा लेना तो एक बात है लेकिन पहले हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारी जो हेल्थ है उसको प्रमोट करना है। प्रमोट मतलब जो अच्छा है उसको और अच्छा बनाना है। और ये बनाने के लिए हमें अपने सेहत का ख्याल रखने के लिए जो अलग अलग अन्न पदार्थ है, जो खान पान जो हमारा है वो इसमें महत्व रखता है। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने जो मिलेट को जो प्रमोट किया है, जिसको श्री अन्न ये नाम दिया है, तो श्री अन्न को इसलिए बढ़ावा दिया है कि केवल गेहूं और चावल नहीं तो अलग अलग कई सारे धान्य है, मड़वा है, कई सारे धान्य है कि जो अलग अलग प्रांतों में खाए जाते हैं और उसका सेहत के ऊपर बहुत अच्छा फायदा होता है। और इसके ऊपर भारत सरकार काम कर रही है, आयुष मंत्रालय ने इसके ऊपर जोर दिया है और आयुष मंत्रालय और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय जो है ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो अभी जो सरकार है ये होलिस्टिक वे में काम कर रही है, तो वन गवर्नमेंट इस प्रकार से वो काम कर रही है, तो जिसमें ये अलग अलग जो पहलू है स्वास्थ्य के ये सभी को हम एड्रेस करें। इसमें ऐसा है कि जैसे सर ने त्रिगुणा सर, ये कोई छोटी बात नहीं है हमारे लिए, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जो पद्मश्री एंड पद्म भूषण है त्रिगुणा सर, ये आप सबको मीडिया की इंफॉर्मेशन के लिए, ये हमारे बीच हैं और ये हमें गाइड कर रहे हैं और उनके साथ एडवाइजर सर हैं, उनके सर साथ मैडम मीता जी हैं। जो आप सवाल पूछ रहे हो उस सवाल का ये है कि हमने इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटीज बनाई, जो कि आप कह रहे हो कि क्योंकि जैसे त्रिगुणा सर ने बताया कि आज की डेट में COVID-19 ने इस बात को प्रूव कर दिया कि आयुष ड्रग्स जो हैं ये कोई खाली, जैसे साहब पूछ रहे हैं कि ये जड़ी बूटी वाला मसला नहीं है, दिस इज ए साइंटिफिकली प्रूवन थिंग और उसको हमने फर्दर वैलिडेट करना है, फर्दर रिसर्च करनी है। उसके लिए हमने मिनिस्ट्री से टेकअप किया, हमने इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी बनाई। जम्मू में आयुर्वेदा की इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी बन चुकी है, यूनानी में उसको अंडर प्रोसेस है फॉर दैट, सो दैट हमारा जो जो काम हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में यू विल नॉट बिलीव इट कि जम्मू में हमें दिन के हंड्रेड्स ऑफ टेलीफोन फ्रॉम एलोपैथिक सर्जन आते हैं, क्योंकि शार सूत्रा एक ऐसा प्रोसीजर है, हमारा एक ऐसा आयुर्वेदा में शो केसिंग एरिया है कि जिसमें रेकरेंस रेट नॉट मोर देन 2% है, देयर एज एनोरेक्टल फिस्टुल डिजीजेस में एलोपैथी में मोर देन 20% रेकरेंस रेट है। वो हमारा एक ऐसा शो केसिंग एरिया कि हमें एलोपैथिक सर्जन रोज फोन करते हैं कि हमें आयुर्वेदा डॉक्टर से ये अपॉइंटमेंट दिलाइए। सिमिलरली ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स है, आज की डेट में ऑनरेबल प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें इसको इंटीग्रेट करना है। जैसे सबको पता है कि 2017 की नेशनल
हेल्थ पॉलिसी एंड 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कंपोनेंट्स हैं आयुष, और 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी कहती है कि हमें आयुष को मेन स्ट्रीमिंग में लाना है, उसके लिए हमें ये सारे एफर्ट्स करने हैं, इसको एविडेंस बेस्ड बनाना है और हमें इसको वैलिडेट करना है कि हमारी कौन कौन से स्ट्रेंथ एरियाज हैं। नो डाउट उसके लिए हमें जो चैलेंज था उसमें हमने प्रूव किया कि दीज मेडिसिन आर दी बेस्ट, बट फिर भी उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए, उसको वैलिडेट करने के लिए हमारा प्रोसेस चल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले काल में आपने देखा होगा, मुझे याद है आज से 2 साल पहले योग का नाम नहीं था कश्मीर में, आज कश्मीर में हर गांव में योग हो रहा है और मेरे पास डेली हंड्रेड्स ऑफ टेलीफोनिक कॉल्स आती हैं कि आप हमारे गांव में हमारे वेलनेस सेंटर में योगा इंस्ट्रक्टर मेल या फीमेल कब दोगे। सो मेरा आप सबसे ये है कि हम आपको ही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से, कि आप हमारे आयुर्वेद को, योग को, यूनानी को गांव गांव तक पहुंचाओ, जिससे कि जैसे नेश्री साहब ने बोला प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ हो, और हम जो है इंस्टेड ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन हम आने वाले कल में मेन स्ट्रीम। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग से विद द इंटरवेंशन ऑफ भारत सरकार हमने कन्वर्ज किया, और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए उन्होंने हमें 2 रीजनल सेंटर दिए, एक यूनानी हॉस्पिटल शाल्टेन में और दूसरा आयुर्वेद हॉस्पिटल जम्मू में। वो दोनों जो है इन द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है, और उससे भी आगे मैं आपको बताऊंगा कि हमने यहाँ पे पंचकर्मा एंड रेजिमेंटल में हमने 2 ईयर्स टेक्निकल कोर्स शुरू किया है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है पंचकर्मा और रेजिमेंटल में टेक्निकल कोर्स और टेक्नीशियन कोर्स हमने यहाँ शुरू किया है इन कन्वर्जेंस विद एलोपैथी। और मैं अभी सर को ब्रीफ कर रहा था जब मैं यहाँ पहुंचा हूँ, ये मेरे पास एजेंडा है पब्लिक सर्विस कमीशन का, पिछले 99 के बाद आयुर्वेदा और यूनानी की डीपीसी नहीं हुई थी। यूनानी की डीपीसी 2 महीने पहले 45 डॉक्टर प्रमोट हो गए थे जो बैकलॉग था, आज 36 डॉक्टर्स जो है अभी यूनानी के जो मेडिकल अफसर, सॉरी आयुर्वेदा के जो मेडिकल अफसर थे उनको पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ने अप्रूवल दिया, विद इन कोई 10-15 डेज ये ऑर्डर इशू हो जाए। एक दूसरी बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद है या आयुष पद्धतियां हैं, सेहत के लिए तो है ही अच्छे, लेकिन जो लोगों की इकोनॉमी बढ़ानी है, आर्थिक कारण है, उनके जो उत्पन्न बढ़ाना है, इसमें बहुत योगदान है। और इसमें आरसीएफसी जो है वो भारत सरकार ने बताई, जिसके बारे में मीता कोटैया जी बताएंगे कि आरसीएफसी क्या है, मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं और क्या क्या आगे हो सकता है। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो भारत सरकार का है उसके रीजनल सेंटर्स है, भारत में 6 है, उसमें से यहाँ कश्मीर में एक, मैंने श्रीनगर में एक है आरसीएफसी, मैंने रीजनल कम फैसिलिटेशन सेंटर, और उसके द्वारा यहाँ बहुत सारी जड़ी बूटियां जो लुप्त प्राय हो चुकी थी या जिसकी अभी दुनिया में डिमांड बहुत है वो उगाई जा रही है, उसके नर्सरी डेवलप हुई है, लाखों प्लांट उनके पास है, और जो किसान चाहता है उनको वो प्लांटिंग मटेरियल मिलता है, और उनका जो उगाते हैं उसकी मार्केटिंग भी आरसीएफ से मदद करती है। तो कहते हैं ना कि उगवाना और फिर उसको बेचना, दोनों काम आरसीएफ के द्वारा बहुत अच्छे से हो रहा है। और यहाँ अभी केसर, लवेंडर, जटामानसी, ज्योतिषमती, जो चीज वैसे बहुत कम मिलती है और हायर एटीट्यूड में होती है, वो सब यहाँ बहुत अच्छे से कल्टिवेट होना शुरू हो गई है। एक सेकंड मैडम के साथ ही मैं ऐड ऑन करूंगा, अंडर नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, जो स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, जो मैडम कह रही है आरसीएफसी की कन्वर्जेंस में जो चलता है, हमने एक नर्सरी गुरेज में एस्टेब्लिश करी है, वो ऑनरेबल वर्दी चीफ सेक्रेटरी का डेलीबरेबल है, वन ऑफ दी। दूसरी भद्रवा में हमारी नर्सरी और सीड जर्मप्लाज्म एस्टेब्लिश हुआ है। तीसरा सब ट्रॉपिकल हम सांबा में, वी आर इन दी प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कल में, और जैसे मैडम ने कहा कि उनको उगाना, उनकी वैल्यू एडिशन करना और उनकी मार्केटिंग करना, हमारे यहां से 3 किसान फार्मर्स, प्रोग्रेसिव फार्मर, वन फ्रॉम कुपवाड़ा, क्या था उसका कुटकी था, वो कुटकी वहां उगाता है, सिमिलरली वन फ्रॉम सुंदरबनी एंड वन फ्रॉम भद्रवा, हम उनको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के समिट में अहमदाबाद लेके गए और उनका बेंगलोर की
जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनके साथ उनका लाइजान करवाया, सो दैट कि अगर वो उगाएंगे तो उनकी कमिटमेंट वहां एमओयू साइन हुआ है कि वो उनकी जो जो उनका प्रोड्यूस है उसका उनको ठीक दाम मिलेगा और रेगुलर प्रोसेस कंटिन्यू होगा। और बाकी जो मैडम कह रहे हैं, हम हर सेंटर डिस्ट्रिक्ट में आने वाले कल में हम ये मंडीज बनाने जा रहे हैं, सो दैट एक सिस्टम डेवलप हो कि किसान को इंडस्ट्री के साथ कैसे जोड़ना है, हमारे डिपार्टमेंट के साथ कैसे जोड़ना है। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ सब। दुनिया जानती है कि कश्मीर जो है वो स्वर्ग है या जन्नत है, लेकिन स्वर्ग या जन्नत केवल दिखने में नहीं है, लेकिन उतनी ही आर्थिक संपदा जो है वो भगवान ने वो इसको कश्मीर को दी है, और इसको हमें प्रयोग में लाना चाहिए, इसका हमें उपयोग करना चाहिए कि कश्मीर के जो लोग हैं तो उनकी उत्पन्नता, उनकी जो एक आय का साधन जो है वो और कैसे बढ़े। तो जैसे मैडम ने बताया तो मेडिसिनल प्लांट को और उसका कल्टीवेशन करना, उसकी पैदाइश करना, ये एक जरिया होता है। दूसरा ये है कि उसके बाद में उसका प्रोसेसिंग है कि उसको एक्सट्रैक्शन करना है, ये उसके एक्सट्रैक्ट बनाने हैं या उससे मेडिसिन बनानी है, ये एक दूसरा तरीका हो सकता है। कई सारे जो पदार्थ है वो खाद्य पदार्थ में जा सकते हैं, आहारीय पदार्थ में, जिसको न्यूट्रास्यूटिकल कहते हैं। तो न्यूट्रास्यूटिकल ये तीसरा फैक्टर हो सकता है कि जिसमें कश्मीर में इंडस्ट्री काफी बढ़ सकती है। और चौथा जो इसके साथ साथ में है वो है मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, कि विदेश से लोग जो है वो यहाँ पे केवल कुदरत का नजारा देखने के लिए आते हैं, साथ साथ में अगर हम उनको चिकित्सा भी दे दें, उनके सेहत बढ़ाएं, और ये सारे जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको बोले, ये अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो हम उनको दे दें, तो यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं, किसान हैं, बाकी सारे लोग हैं, उनको एक उत्पन्न का जरिया भी होगा, उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी और एक पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होगा। तो मुझे लगता है कि हमें आयुर्वेद और योग को इस दृष्टि से देखना चाहिए कि हम यहाँ पे रोजगार कैसे उत्पन्न करें, लोगों को उत्पन्न कैसे दे दें, और यहाँ पे जो कुदरती जो संपदा जो है उसको हम बनाए रखे हुए, मतलब सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग जिसको कहते हैं, तो बनाए रखे हुए हम उसको कैसे प्रयोग लाके अपना हम उत्पन्न बढ़ाएं। मेरा एक मानना है ये, आज दुनिया के जो लोग हैं वो योग के लिए, आयुर्वेद के लिए, पूरे देश में ऑथेंटिक चिकित्सा के लिए आते हैं, चाहे योग हो, आयुर्वेद या बाकी चिकित्सा पद्धति हो। और पंचकर्म एक ऐसी विधि है हमारी आयुर्वेद की, इसके लिए कि पूरी दुनिया के लोग पंचकर्म के लिए आते हैं, अपने शरीर की इम्यूनिटी के लिए आते हैं। तो वो पूरे आप केरल में देखेंगे कितना आयुर्वेद पॉपुलर हुआ है, ऐसे दिल्ली के अंदर आप जाके देखेंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है, उसकी पॉपुलैरिटी पूरे विश्व में हो गई है। हमारे जैसे NIA जो जयपुर है, भारत सरकार की संस्था है, जिसमें मैडम रीता कुटेश थोड़े दिन पहले प्रो वाइस चांसलर थी, उसकी पॉपुलैरिटी पूरे देश में बढ़ी है। हमारे इवन जम्मू और श्रीनगर में हमारी भारतीय संस्कृति आयुर्वेद पूरे विश्व में बहुत पॉपुलर था, और यहाँ पहले भी था, हमारे अनेक विद्वान लोग हुए, कई वैद्य लोग हमारे महाराजा हरि सिंह के चिकित्सक थे, और 1913 से लेकर 1920 तक वो बनारस में पढ़ के आए, फिर यहाँ पे महाराजा हरि सिंह के चिकित्सक हुए। अभी तक भी ऐसे ऐसे वैद्य लोगों के नाम है जो कि जम्मू, कठुआ, इन सब में हुए, और श्रीनगर में, जिनका पूरे देश में नाम था। तो हम वही चाहते हैं कि इसी प्रकार वही चिकित्सा, वही पद्धति, वही आयुर्वेद पुनः यहाँ जम्मू में हो, यहाँ के बच्चे उस तरह की चिकित्सा लें, उस तरह का ज्ञान लें, वो यहाँ UGPG करें, और पूरे देश में पूरे विश्व में वो आयुर्वेद के एम्बेसडर्स बन के पूरे विश्व में जाएं, ऐसा मेरा अपना मानना है।